हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेजन डिजिटल आर। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग जो कि देखने में काफ़ी ऑसम सी लग रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलना। तो सबसे पहले गाइस, आपने अपने फ़ोटो को स्नैपसीड ऐप में ओपन कर लेना है। फिर आपने पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको नीचे एक विंटेज का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको सबसे लास्ट वाला को सिलेक्ट करना है और उसका सेचुरेशन 100 माइनस कर देना है और बाकी का एडजस्टमेंट अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग कर लेनी है। फिर यहाँ से इसको क्लिक कर हम कर लेंगे डन। अब आपको ऊपर एक एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और व्यू एडिट में जाना है। और व्यू एडिट में जाने के बाद विंटेज वाले लेयर पर क्लिक करना है, एडिट में जाना है और लेफ्ट साइड में आपको इन्वर्ट कर देना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने पूरे स्क्रीन पर से इसको इरेज कर लेना है। तो इसे हम जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम इसको क्लिक कर लेंगे डन। अब आपने अगेन पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, ऊपर आपको एक कर्व का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पहले ब्लू वाले कलर को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ आपको कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ ले जाना है। फिर यहाँ पर हम ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे और कुछ उसी टाइप से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब हमें रेड कलर को सिलेक्ट करना है और कुछ इस टाइप से नीचे की तरफ एडजस्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से इसको कर लेना है डन। अब आपने ऊपर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, व्यू एडिट में जाना है और कर्व वाले लेयर पर क्लिक करना है, एडिट में जाना है और लेफ्ट साइड में इन्वर्ट कर देना है। फिर यहाँ से कर्व को जीरो करके अपने स्क्रीन से इसको रिमूव कर लेंगे। तो हम इसे जल्दी से जल्दी कर लेते हैं और फिर यहाँ से हम इसको कर लेंगे डन। अब आपने पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको नीचे एक डबल एक्सपोजर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। फिर ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको एक पीएनजी मिलेगी, उसे ऐड कर लेनी है। इस पीएनजी को हम ऊपर की साइड में सेट करेंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड लाइटेन कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम इसको क्लिक कर लेंगे डन। अब आपने अगेन पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, डबल एक्सपोजर पे जाना है, ऐड फोटो पे जाना है और आपको एक पीएनजी मिलेगी, उसे ऐड कर लेनी है। इसे हम फुल बैकग्राउंड में सेट कर लेंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लाइटेन कर लेंगे। फिर यहाँ से क्लिक कर हम इसको कर लेंगे डन। अब आपने एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, व्यू एडिट में जाना है और हर्ट वाले लेयर पर क्लिक करना है, एडिट में जाना है और लेफ्ट साइड में इन्वर्ट कर देना है। फिर यहाँ एक्सपोजर को जीरो कर अपने पूरी बॉडी से इसको इरेज कर लेनी है। फिर यहाँ से इसको कर लेना है डन। अब आपने अगेन पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, नीचे डबल एक्सपोजर पर जाना है, ऐड फोटो पर जाना है और ऐड फोटो पर जाने के बाद आपको एक लाइट की पीएनजी मिलेगी, उसे ऐड कर लेनी है और इसे पूरे बैकग्राउंड में सेट कर लेना है और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ से क्लिक कर हम इसको कर लेंगे डन। फिर व्यू एडिट में जाके हम अपने फेस पर से इसको इरेज कर लेंगे। अब आपने अगेन पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, डबल एक्सपोजर पर जाना है, ऐड फोटो पर जाना है और आपको एक और पीएनजी मिलेगी, उसे ऐड कर लेनी है और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ से इसको कर लेना है डन। अब आपने पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें स्मूथ सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है और अपने फेस के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेनी है। फिर यहाँ से हम इसको कर लेंगे डन। अब आपने अपने फोटो को करना है सेव और लेके चलना है लाइटरूम में। लाइटरूम में आने के बाद आपको एक लाइटरूम की प्रीसेट मिल जाएगी, सिंपली उस पर जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और आपको नीचे एक कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है
यहाँ से क्लिक कर सेटिंग को कॉपी कर लेना है और सिंपली चले जाना है अपने फ़ोटो पे। अपने फ़ोटो पे आने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। नीचे एक पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देनी है। तो आप देख ही सकते हो हमारी फ़ोटो कितनी ऑसम रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।